हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीक यानी कि 22 मार्च को मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो इसीलिए पूरा एक वीक मैं किसी भी टाइप का वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया, क्योंकि जो टाइम पीरियड चल रहा था मेरी लाइफ में, ये जो फेज़ है उससे बाहर निकलना थोड़ा सा टफ है। यानी कि निकल तो जाते हैं सब, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं, लेकिन इनिशियल जब एक हफ्ता 15 दिन जो होता है वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो इसीलिए एक हफ्ते से मैंने अपने आपको किसी भी टाइप की वीडियोस या तो आपके कमेंट के रिप्लाइज़ मैंने नहीं दिए, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मैसेज भी किए हैं, लेकिन मैं उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरा माइंड अभी पूरी अलग दिशा में अभी जा रहा है, तो उसको एक नॉर्मल राइट वे पे लाने में मुझे और थोड़ा सा एक हफ्ते का टाइम चाहिए। तो मैं आप लोगों से बस एक हफ्ते का और टाइम मांगता हूँ कि एक हफ्ते के बाद यानी कि नेक्स्ट मंडे के बाद मैं आप सभी से नॉर्मली सारी वीडियोस जो भी मुझे अपलोड करनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, वो मैं आपको देना स्टार्ट कर लूँगा। पिछले एक हफ्ते में फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन में कुछ भी ज़्यादा केयर वगैरह नहीं की है। फ्लावर्स बहुत सारे आ रहे हैं मेरे गार्डन में, इन फ्लावर्स को देख के भी मन इतना खुश नहीं होता, क्योंकि जो इंसिडेंट्स अभी हुआ है मेरे साथ, तो उससे थोड़ा सा उभरना, थोड़ा सा और वक्त चाहिए मुझे। तो फ्लावर्स तो अभी मेरे गार्डन में बहुत सारे हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से फ्रेंड्स मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड कुछ भी स्प्रे नहीं किया है। प्लांट अभी बहुत ही अच्छी ब्लूम्स पे है, फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्लांट के ऊपर पेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है, इसके ऊपर एफिड्स लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देता था, बस वाटरिंग एक बार कर लेता हूँ सुबह या तो शाम के वक्त जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो रिवाज है, जो हमें जो भी राइचुअल्स है जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को सब करते करते फ्रेंड्स पूरा एक हफ़्ता हमारा निकल गया। अभी और एक हफ़्ता बाकी है, तो बस ये 15 दिन का जो टाइम है वो थोड़ा सा निकल जाए, तो बाद में मैं रेगुलरली मैं अपने गार्डन में आपके साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर लूँगा। लेकिन एक सवाल मुझे पूछा गया है इंस्टाग्राम पे कि क्या अब मैं वीडियोस बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, ये चीज़ को लेके मैं खुद अभी कंफर्म नहीं कर पाऊँगा। मैं वीडियोस बनाऊँगा, 99% मैं वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी में वीडियो बनाऊँगा यानी कि कितने टाइम पे मैं वीडियो बनाऊँगा, तो वो कुछ कंफर्म नहीं है। पहले मैं हफ्ते में चार से छः वीडियो बना लेता था, लेकिन अभी मैं कितनी वीडियो बनाऊँगा वो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो मेरे पापा के हिस्से का जो काम था वो अब मुझे करना होगा, तो थोड़ा सा वक्त का मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वीडियोस बनाने में, टाइम का थोड़ा सा इश्यू रहेगा, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊँ। लेकिन एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं शायद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा प्लांट्स अब मैं नहीं परचेज़ कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम की कमी रहेगी। जो भी प्लांट्स मेरे पास अभी अवेलेबल है उनकी केयर करूँगा, जितने ज़्यादा अगर मैं प्लांट्स बढ़ाऊँगा तो उसके पीछे उतना ही मुझे टाइम देना पड़ेगा, तो वो एक इश्यू रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल होते होते और एक वीक लग जाएगा मुझे, तो एक वीक का मुझे टाइम दे दीजिए। एक वीक के बाद मैं फिर से नॉर्मली आप सभी के कॉमेंट्स का रिप्लाई इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर लूँगा। और इंस्टाग्राम पर मैंने जिसके मैसेजेस पड़े हैं उनको मैंने रिप्लाई नहीं किया था। रिप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरा माइंड कुछ और सोच रहा था, आपका क्वेश्चन में पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में वो क्वेश्चन बैठ नहीं रहा था, मुझे समझ नहीं पड़ रहा था कि मैं आपको क्या रिप्लाई दूँ। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे साथ हुई। तो अगर आपने मुझे मैसेज किए, मैंने आपके मैसेज को पढ़ा है, तो बाद में आप मुझे फिर से वो मैसेज करिए, ताकि मैं आराम से वो मैसेज पढ़ के आपको रिप्लाई दे सकूँ। तो बस ये ही बोलने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि मैं एक हफ्ते के बाद रेगुलरली आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, और जो भी प्लांट से रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं वो मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो टिल देन आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।